तो आज का जो वीडियो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू हाउ पैडी इज कल्टीवेटेड इन कश्मीर। बेसिकली आई एम फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर, तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है पैडी को कल्टीवेट करने में, तो सारा कुछ आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का। आगे का लैंड देख रही हो, ये फर्स्ट स्टेज होता है, इसके बाद कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं ये हमारे साथ गुलाम रसूल साहब हैं, वो आपको बताएंगे इसके बाद कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। अगर ताव करो ज़मीन डॉक्टर से तुल डॉक्टर से तुल अगर ये बनम ज़मीन ये ज़मीन थोड़ा पहाड़ी पहन थजरस छापा दिन अमर दिन छापा आब लोगस दापा छापे पो अ मत क्या गो पो अ मत दिन तो पत् गई अद डेटे तम पे डेटे कर बस पे आब सही हफाजत अगर ये जमीन कुल वो तेल दंद हूट ग अल आोतन यार कि अगर ट्रैक्टर कोता तो तुले मगर अल दिन जरूरी अल क्या गो अल गो बस आब त्र दान लागे आब त्र दान लागे आब त्र दान लागे चलो शुक्रिया सर। बी क्या तो ज़मीन जोतने के बाद इसकी बाउंड्रीज ठीक करी जाती हैं, ये है वो प्रोसेस जैसे बाउंड्रीज ठीक की जाती हैं। इस प्रोसेस की वजह से लीकेज बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ना होने के बराबर, जो कि गर्मी जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो उस टाइम पानी की किल्लत होती है, तो उस टाइम हेल्प करती है ये बाउंड्रीज, उस टाइम हेल्प करती है पानी को स्टोर करने में। कश्मीर में इसे बेयर कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं बेयर खान। तो ये बॉर्डर्स कंप्लीट करने के बाद इसमें पानी भरते हैं फिर से, और यहाँ ना हल ना दो टाइप के होते हैं, दोनों के डिफरेंट नाम हैं, तो अभी मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं उर्दू में, बट इन कश्मीरी इसको मतिल कहते हैं। बस इससे ना लेवलिंग ठीक की जाती है, और जो दूसरा एक हल है उससे ना ज़मीन को जोता जाता है। तो सो इनकी खुद की लैंग्वेज है। कुर्बान सत क्या गा कुर्बान वन सी पकान ओल्हा गई फिर अब खुद देख सकते यार, ये तो बोल नहीं पाते हैं बट समझ पाते हैं। ओल्हा मतलब टर्न करो, कुर्बान मतलब तेज चलो, बेशक लैंग्वेज यूज कर बेशक लैंग्वेज यूज कर अगर जबरदस्त यार जबरदस्त। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड।